हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून और कहानियां कभी ना छूटे। बहुत समय पहले की बात है, नीलगिरी पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था जिसमें कई जंगली जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक मेहनती और परिश्रमी हिरण भी रहता था। वह दिन भर जंगल में घूमकर अन्य जानवरों का हाल चाल लेता और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करता था। वह अपने काम के प्रति ईमानदार और निष्ठावान था। एक दिन उस जंगल में कहीं दूर से भटककर एक भयानक शेर आ गया। वह शेर बहुत खतरनाक और हिंसक था जिसने पूरे जंगल में भय का माहौल पैदा कर दिया। वह दिन रात हाहाकार मचाए रहता और उसकी दहाड़ सुनकर सभी छोटे बड़े जानवर डर गए। जंगल में शोर शराबा बढ़ गया और जानवर अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने गुफाओं और घरों में छिपने लगे। हिरण भी डर कर घने जंगल में कहीं छुप गया था। तभी शेर ने जंगल में गूंजती हुई जोरदार आवाज में घोषणा की, मैं इस जंगल का राजा हूं, यहां रहने वाले सभी जानवरों को मेरी शरण में आना होगा। यह सुनकर हिरण चिंतित हो गया। उसने महसूस किया कि अब शेर से निपटने का समय आ गया है। हिरण ने शेर को सबक सिखाने की योजना बनाई और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर एक बैठक बुलाई। वहां एक गुप्त योजना बनाई गई। सभी जानवरों ने मिलकर उस योजना के अनुसार काम शुरू कर दिया। मेहनती हिरण ने अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर शेर के खिलाफ छुपकर लड़ाई लड़ने का फैसला किया। दिन बीतते गए और हिरण ने खरगोश, चूहा और गड्ढा खोदने वाले अन्य जानवरों से कहा कि वे मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदें। सभी ने मिलकर जल्द ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कर लिया और उसे घास फूस से अच्छी तरह से ढक दिया। अब शेर के आने का इंतजार किया जाने लगा। जंगल में सभी जानवर निडर होकर इधर उधर घूमने लगे ताकि शेर को गुमराह किया जा सके। शेर ने उन्हें एक साथ घूमते देखा और उन पर हमला कर दिया। सभी जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी हिरण शेर के सामने आ गया और उसे अपने पीछे पीछे भगाने लगा। हिरण भागते भागते गड्ढे के पास पहुंचा और उसके पीछे शेर भी आ गया। आखिरकार शेर पीछा करते करते गड्ढे में गिर गया। यह देखकर जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गड्ढा काफी गहरा था और शेर चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सका। अंततः वह गड्ढे में तड़प कर मौत के आगोश में चला गया। इस तरह मेहनती हिरण ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सफलता हासिल की। उसने जंगल के जानवरों को यह मजबूत संदेश दिया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे शत्रु कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो। मेहनत, दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हमें मुश्किलों से डरने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने की क्षमता खुद में विकसित करनी चाहिए।